हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू सुरसाज अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे कि आप जो भी रियाज करते हैं घर पे, उस रियाज सेशन को हम और भी बेहतरीन कैसे बनाएं। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियाज करते टाइम आपके पास जो भी मटेरियल है, आप जिसको जो भी फॉलो करते हैं करके, आप रियाज करते हैं घर पे, आप उसको सेम रखिए। अब आप उसमें क्या करेंगे, आप जब रियाज करना शुरू करेंगे, आप एक एक टाइम पे आप उसका स्पीड के ऊपर ध्यान दिया कीजिए। एक ही स्पीड पे आप जो सपोज रियाज करते होंगे, तो उस स्पीड को लेके ही हमें अप डाउन करना है और करके ही हमें उसको और भी इफेक्टिव रियाज बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक चीज का हेल्प लेना होगा, वो है मेट्रोनोम। तो मेट्रोनोम आपको मिल जाएगी मोबाइल पे, गूगल प्ले स्टोर पे भी है। तो आप कोई भी मेट्रोनोम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे, उसको आप ले कीजिए। या आपके पास अगर कीबोर्ड है तो उस कीबोर्ड को भी आप यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड में मेट्रोनोम का ऑप्शन है। तो इसी तरीके से हम उसको कर सकते, क्योंकि जब हम लोग रियाज करेंगे ऑल टाइम हमारे पास तबला नहीं होगा या तबला प्लेयर नहीं होंगे जो हमें ये इस चीज में हेल्प करने वाले हैं, बट हम अपना ये मेट्रोनोम का सहारा लेके इस रियाज सेशन को और भी बेहतरीन बना सकते। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो मेरे पास अभी कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड पे मैं सपोज 100, ये जो टेम्पो है ना, स्पीड 100 सेट कर लेती हूँ। 100 पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो ये जो टेम्पो मैंने अभी सेट किया है वो है 100 पे। तो चलिए 100 पे कैसे हम करेंगे। सपोज सरगम नॉर्मल प्लेन सारेगामा को ही ले लेते हैं। सारेगामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो देखिए इसमें आपको एक साउंड मिलेगी, एक स्पेशल साउंड, वो साउंड है आपका नंबर वन, नंबर वन बीट। तो उस एक को लेके हम इसको 4-4 डिवीजन में डिवाइड कर लेंगे, राइट। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैक्सिमम हम लोग कहारवा ताल पे या थ्री ताल पे रियाज करते हैं मैक्सिमम टाइम पे, तो उसी में ही 4-4 का डिवीजन होते हैं ना। तो 4-4 पे ये मेट्रोनोम का भी सेटिंग है, तो हमें उसका सेटिंग लेके हमें करना है, राइट। तो आपको ये ध्यान से सुन लेना है कि नंबर वन कौन सा है, वो स्पेशल एक साउंड करेगी, तो उसको लेके ही आपको काउंट करके करना है। कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसमें मैंने क्या किया, पहले किया क्या, सारे गामा पा धा नी सा, चार चार पे करें। अभी हम क्या करेंगे, एक फोर पे हम पूरा सारेगामा पा धा नी सा तक लेके आएंगे। ठीक है, पहले क्या करते, सारेगामा पा धा नी सा दो दो डिवीजन पे कर लिए थे, डिवाइड कर लिए थे। अब हम करेंगे कि पहले चार में ही हम इस सारेगामा पा धा नी सा 8 ये स्वर हम लगा देंगे। सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया है कैसे करना है। सा सा के साथ अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा रे रे गा गा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अब क्या करेंगे, चार पे ये पूरा जो फर्स्ट आरोह है उसको ले आएंगे, फिर अवरोह को ले आएंगे नेक्स्ट फोर पे।
ठीक है, हो गए। अभी आप ले आइए सा 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 तीन को। सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नि 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 सा 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 नि 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 ध ध ध प प प म म म ग ग ग रे 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 सा सा सा। आज मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोल्ड एंड कफ हुआ है, तो आपको समझ में तो आ गया होगा। सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नि 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 सा 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 नि 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 ध ध ध प प प म म म ग ग ग रे 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 सा सा सा। राइट, तो अभी हम इसका स्पीड बढ़ाते हैं। अभी 100 पे था तो मैं 200 पे कर देती हूँ। तो ये है आपके 200 टेम्पो में। अब इसमें सारेगामा करेंगे हम लोग पहले। सारेगामा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सारेगामा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इसमें मैंने क्या किया, जो आठ है उस आठ बीट्स में मैंने ये आठ स्वर को लगा दिए। अभी चार पे इस आठ स्वर सेट करना है। सारेगामा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सारेगामा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सारेगामा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये चार बीट पे आठ स्वर को सेट करना है। सारेगामा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सारेगामा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है, ऐसे कीजिए इसको आप कुछ देर तक कीजिए, लगा लीजिए 10 टाइम्स करेंगे, 15 टाइम्स आप ऐसे सेट कर लीजिए, गोल सेट कर लीजिए, ऐसे करके कीजिए। फिर सा 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 ले आइए। सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नि 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 सा 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 नि 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 ध ध ध प प प म म म ग ग ग रे 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 सा सा सा। राइट, अच्छा दो वाला भी है। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चार पे चार बीट पे ये आठ ये जो फ्रेज है पूरा वो सेट करेंगे। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। तो इसी तरीके से आप इसको टेम्पो बढ़ाते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। तो ये 250 में है, तो 250 में अब हम लोग सारे गा पहले कर लेते हैं। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। हो गए, तो आप क्या करेंगे, इस चार बीट पे एक चार बीट पे आठ फ्रेज को हम सेट कर देंगे। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेट करना है। और इससे आपका क्या होगा, अगर हम मेट्रोनोम के साथ करते हैं तो आपका जो सेंस ऑफ जो एक ताल है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप होगा। ये बहुत जरूरी है, हम रियाज के टाइम पे भी ताल को मेंटेन करके हम रियाज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो गाने के टाइम पे जो मैंने देखा है कि गाते हैं बहुत अच्छा बट ताल सेट नहीं कर पाते हैं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से छोड़ना है ना, फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, वो सेंस ग्रो नहीं करते। बट आप अगर मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करेंगे, इट इज लिटिल बिट टफ इनिशियली, बट अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे फिर देखना कि आपका ये जो सेंस ऑफ जो ताल जो ऑटोमेटिक वो बिल्डअप हो जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जरूर आपके रियाज सेशन को ऐसे बेहतरीन बनाने के लिए मेट्रोनोम का सहारा लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करके आप 1 मंथ बाद मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा रहा आपका ये सेशन। ठीक है, आपका डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, फिर नए वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।